हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिट फाट होंगे, खैरियत होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल से है कि पांच ऐसी बड़ी गलतियाँ जो हम करते हैं अपने कबूतरों को, और कबूतर हमारे बीमार हो जाते हैं, कुछ कबूतर मर जाते हैं, और उसे दोस्तों कैसे हमने ठीक करना है, कैसे ठीक रखना है, जो कि मैंने अपने कबूतरों में भी इस बार दोस्तों देखा था कि कबूतर मेरे बीमार हो गए थे। आप सब भाइयों को भी मैंने बताया था, एक कबूतर मर भी चुका था मेरा। तो दोस्तों, कबूतर को ऐसी पांच सी कौन सी गलतियां ऐसी नहीं करनी है हमें, जिससे हमारे कबूतर बीमार ना हो, अच्छे से रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज बताते हैं। ये देखें, पीछे दाना शाना कबूतर सब खा रहे हैं, ये देखें दाना शाना खा रहे हैं फिट होके। अब बिट भी दोस्तों अच्छी कर रहे हैं, पहले ऐसी हरी बिट नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने कबूतर अपने ठीक कर लिए, एक दो दिन और लगेंगे इनको अपने लेवल पे आने में। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो भाई चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल के को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक जल्द से जल्द पहुँचे। ये देखें कैसे कबूतर सब फिट होकर दाना खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं आज दोस्तों आपको कि ऐसी कौन सी पाँच गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और कबूतर हमारे बीमार हो जाते हैं, और हमें क्या ऐसा करना है जिससे हमारे कबूतर बीमार ना हो, सेफ रहे, ठीक रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बताते हैं आज आपको। तो दोस्तों, आज जो आपको मैं बताने लगा हूँ, यकीन माने दोस्तों मेरी बातों का, सच में कबूतर आपके बीमार नहीं होंगे। अगर आप बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं कबूतरों को, तो मेरे इन पांच बातों को यकीन माने, विश्वास करें, और आप करें, देखना आपके कबूतर इस सीज़न, खासकर ये बरसात के मौसम में दोस्तों, कबूतर आपके कभी बीमार नहीं होंगे, ना कभी बीमारियों में आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले नंबर पे दोस्तों जो जोड़ा आपने कबूतर का लगाया था उसे तोड़ के साइड कर देना है, उसे अलग अलग केज में रखना है दोस्तों, जिससे हमारे कबूतर के जो जोड़े हैं वो सेफ रहे और अच्छे से रहे। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे दोस्तों बच्चे आपने कबूतर के नहीं पलवाने हैं। अभी मैंने जो कबूतर के बच्चे पलवाए थे, वो उनमें से पांच छह बच्चे कमज़ोर निकले थे। क्यों निकले थे, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों मौसम जो है अभी है बरसात का, बरसात में कबूतर दाना पानी कम खाते हैं, इसलिए बच्चे को भी चूगा कम देते हैं, वो बच्चे इसलिए कमज़ोर निकलते हैं। और साथ साथ दोस्तों कबूतर में जो कैपेसिटी होती है दाना देने की, वो जब बच्चे को दाना देते हैं तो पूरा ही दाना कबूतर खिलाने की कोशिश करता है, इससे कबूतर भी कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि इस मौसम में बरसात के कबूतर के बच्चे को दाना ना पलवाएं अभी, और जोड़े तोड़ दें। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर दोस्तों अभी के सीज़न पर जैसे मेरे कबूतर आपने देखे थे वायरस में आ गए थे और मेरे कबूतर भी दोस्तों बीमार हो चुके थे। तो आपने अपने कबूतर कैसे बचाने हैं जिससे आपके कबूतर को वायरस नहीं हो, अभी के समय में मैंने अपने कबूतर दोस्तों ठीक कर लिए हैं, 90% ठीक कर लिए हैं, 10% बचा हुआ है, वो भी एक आध दिन लगेगा, मेरे कबूतर ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने वायरस से कैसे बचाना है कबूतर को, ये मैं बताता हूँ। अभी चल रहा है बरसात का मौसम दोस्तों, बरसात में कबूतर को बाहर नहीं निकालना है, तो कबूतर को नहीं निकालना है अपने। चौथे नंबर दोस्तों, बरसात के मौसम में कबूतरों को इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही है। पांचवें नंबर पे दोस्तों, कबूतर की ब्रीडिंग अभी इस बार नहीं करानी है, क्योंकि पे आपने कबूतर की ब्रीडिंग अभी नहीं करवानी है। इससे एक तो पहले नंबर पे कबूतर अगर अंडा भी देगा तो बरसात के मौसम में, याद रखना मेरी बातों का दोस्तों, अंडा ख़राब हो जाएगा बरसात में, उसमें बच्चे नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी बात का विश्वास करना आप, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप करके देख लेना, अंडे ख़राब हो जाएंगे और साथ ही साथ उसमें बच्चे नहीं बनेंगे, उससे कबूतर को भी नुकसान होता है दोस्तों, क्योंकि कबूतर फिर अंडे पे आ जाता है। अगर आपका अंडा ख़राब निकला, आपने फेंक दिया, फिर कबूतर अंडे पे आ जाएगा, कैल्शियम की उसको कमी हो जाएगी, कबूतर कमज़ोरी में चल जाएगा, इससे भी कबूतर को बीमारी होता है। तो दोस्तों आप इन पाँचों चीज़ों से कबूतर को बचा के रखें अभी बरसात के मौसम में खासकर, और अपने कबूतर का केयर भी करें। मैंने हर वीडियो में आपको कहा है कि अपने कबूतर का केयर करें, अपने कबूतर को देखभाल करें, अपने कबूतर का दाना पानी सही से करें अभी के टाइम में, और अपने कबूतर ठीक से रखें। तो दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कैसा
आपको लगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ है कॉमर्स लाजमी कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि मेरे भाई जो है नए पुराने जो भाई हैं देखने वाले वो सीखे कुछ और कुछ करे अपने कबूतर को दोस्तों इस मौसम में बचा के रखें। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बरसात का ये जो बरसात का मौसम है, इस मौसम में कबूतर को बचाना अभी के समय में बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। बाकी दोस्तों कबूतर ने दाना शाना खा लिया, पानी का टाइम है तो पानी शानी भी देते हैं। ये देखें बच्चे जो उस केज में थे, ये इस केज में मैंने ले आया है, और ख़ासकर ये देखें मेरा लॉफ्ट भी मैंने साफ़ कर देता हूँ अभी बरसात में, क्योंकि दोस्तों जितना लॉफ्ट गंदा रहेगा उतना ही बीमारी ज़्यादा पैदा होगी दोस्तों। तो ये देखें कबूतर सबूतर सब ओके हैं, बिट देख लें दोस्तों कबूतर अभी सही से कर रहे हैं सब, कोई वैसा बिट नहीं कर रहा है जिससे मेरे कबूतर अभी, एक आध दिन और लगेगा दोस्तों कबूतर सब फिट हो जाएंगे। बाकी दोस्तों भाइयों से मैं यही कहूँगा कि जो भाई वीडियो को देखते हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसे लगा, और जो मैंने आज आपको बताया वो आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वरना कबूतर आपके भी बीमार सकते हैं। बाकी आपने अपने लॉफ्ट में पानी नहीं जाने देना है, ठीक है दोस्तों, पानी के कारण ही मेरे कबूतर दोस्तों बारिश के पानी के कारण मेरे कबूतर बीमार हुए और जा वायरस में आ रहे थे, तो मैंने तो ध्यान दिया और इलाज भी किया तो इनका ये ठीक हो चुके हैं। बाकी जो भाई बाकी आप सबको वीडियो जैसे लगेगी लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए।